पूछा गया था, यहाँ पे रिलेशन है फंक्शनल डिपेंडेंसी से, और उसमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सी कैंडिडेट की है, यानी की कौन सी है। अगर की पूछा जाए तो ऑब्वियसली वो कैंडिडेट की पूछेंगे बिकॉज उसमें से ही हमें एक्सेस कर रहा है। नाउ ये सारे ऑप्शंस है एंड हमने इससे पहले एक वीडियो में एक मेथड फॉलो किया, बट वो मेथड फॉलो करने से टाइम बहुत जाएगा, तो यहाँ पे इजी मेथड फॉलो करनी है। तो किस तरह से, तो लेट मी से अगर आपको कैंडिडेट की फाइंड करनी, तो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट क्या है कि सारे एट्रीब्यूट्स कवर हो जाने चाहिए। सो मान लीजिए कि हमारे पास कैंडिडेट की है या फिर हमारे पास एक क्लोजर है, यानी कि कैंडिडेट की का क्लोजर है, और हमारे पास उसमें सारे एट्रीब्यूट्स कवर हो जाते हैं। सारे एट्रीब्यूट्स से मींस ए बी सी डी ई एफ। ओके, ये सारे एट्रीब्यूट्स कवर हो जाते हैं, देखिए वो कैंडिडेट की है, इतना आपको पता चला। नाउ यहाँ पे इस क्लोजर के अंदर क्या हो सकता है, यानी कि ये जो हम फाइंड करते हैं वो किस तरह से फाइंड करते हैं, दो पॉसिबिलिटीज। या फिर सपोज मान लीजिए अगर ए का क्लोजर फाइंड करना है तो ए तो आएगा ही उसमें, प्लस फंक्शनल डिपेंडेंसी पे से जो वैल्यू आएगी वो। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि ये सारे एट्रीब्यूट्स में से कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होंगे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी में से आएंगे, और कुछ एट्रीब्यूट्स विद इन अ क्लोजर, यानी कि क्लोजर में से ही हमें डायरेक्टली इंपोर्ट करने होंगे। ओके, इट वाज सिंपल। नाउ हमें चेक करना है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी में से हमें कौन से एट्रीब्यूट मिल जाते हैं। तो फंक्शनल एट्रीब्यूट में से हमें कौन से एट्रीब्यूट्स मिलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी में से। ओके, सो यहां पे f a b एंड d, f के लिए यहां पे टिक करेंगे a d एंड d। अब आप देखते हो तो यहां पे हमें a b d f वो मिल जाते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी में से, लेकिन ऐसे को एट्रीब्यूट जो नहीं मिलते वो है c एंड e, यानी कि अगर मुझे c और e चाहिए, यानी कैंडिडेट की में c और e चाहिए, तो कंपलसरी मुझे उसको यहां पे कैंडिडेट की के अंदर इंक्लूड करना होगा, बिकॉज़ वहीं से हम उसको इंक्लूड करेंगे, बिकॉज़ हमारे पास fd में कहीं पे भी c और e नहीं मिल रहा है। fd की हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, तो राइट हैंड साइड पे कहीं पे भी c और e नहीं आ रहा है, तो वो सिर्फ क्लोजर में से ही आएगा। तो यहाँ पे एक चीज पता चलती है कि जो सी एंड ई है वो कंपलसरी होना चाहिए कैंडिडेट की के अंदर। नाउ कैंडिडेट की के अंदर सी ई होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं सी ई कैंडिडेट की होगा, अभी तक हमने डिसीजन नहीं लिया है, बट ऐसा हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट की के अंदर सी ई का होना जरूरी है। ओके, नाउ सी के साथ कुछ भी आ सकता है, बट यहाँ पे सी का होना जरूरी है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, C जरूरी है कैंडिडेट की में, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जो भी यहाँ पे की होंगी ऑप्शन के अंदर उसमें C का होना जरूरी है, और उसके अलावा के ऑप्शन को इनवैलिड काउंट करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ C है, E नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब B ऑप्शन देखते हैं, तो C है, तो ये हो सकता है राइट है, फिर भी हमें चेक करना है A, ये C इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो रॉन्ग हो जाएगा। नाउ D ऑप्शन A C, तो यहाँ पे भी E नहीं है, सिंपली रॉन्ग हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे सी ई है, दैट मींस ये वैलिड आंसर है, इसको हम टिक मार्क कर देंगे, बट एग्जाम में आपको ये चीज नहीं करनी है, डायरेक्टली इसको टिक मार्क नहीं करना है, हो सकता है कुछ क्विज आ जाए, सिंपली सी कैंडिडेट की बनता है कि नहीं चेक कर लो। तो हम यहाँ पे सी का क्लोजर फाइंड करेंगे, सी का क्लोजर फाइंड करना है तो हमें पहले सी को इंक्लूड करना होगा, देन सी पे से हमें मिलता है एफ, एफ पे से मुझे मिलता है ए, और CE पे से मुझे मिलता है, CE पे से मुझे मिलता है D, और A पे से मुझे मिल जाता है B। Now अगर हम देखते हैं तो A B C D F E F, यानी कि सारे एट्रीब्यूट्स कवर हो जाते हैं, दैट मींस C क्या है, कैंडिडेट की है। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो हमने फाइंड कर लिया, दैट वाज वेरी इजी, इस तरह के क्वेश्चन में आप सिंपली ऐसे करोगे तो चलेगा। अब यहां पे अगर ऐसा कहा जाए कि टोटल कितने कैंडिडेट की है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसको हम जनरलाइज किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट की फाइंड करनी हो तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, 2 raised to 6 minus 1, तो 2 raised to 6 minus 1 होता है 63, तो 63 को मैं चेक करने नहीं बैठूंगा, मैं 63 मुझे पता है 63 है, तो सबको चेक नहीं करना है, हम यहाँ पे कुछ अलग तरह से देखेंगे। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, key contains CE और key does not contain CE।
सो यहाँ पे अगर हमारे पास की है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी होगी, कंटेन सी एंड नॉट कंटेन सी। ओके, अब सी होगा तभी वो की बन पाएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे चला जाता है। अब इसको और जनरलाइज करते हैं, तो कंटेन सी में और पॉसिबिलिटीज होगी कि उसमें सिर्फ सी है, सिर्फ ई है, या फिर बोथ। तो यहाँ पे बोथ सी ई, ओनली सी, ओनली ई। तो ओनली सी एंड ओनली ये भी गलत है, ये भी हम काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे बोथ सी, तो ऐसे बहुत सारे कीज होंगे जिसमें सी भी आता होगा, लेकिन हमारा कैंडिडेट की क्या है, सिर्फ सी है। तो यहाँ पे सिर्फ सी को ही हमें देखना है, और वो एक ही ऐसा की होगा जो एग्जिस्ट करेगा, डबल टाइम्स तो एग्जिस्ट नहीं करते। और कैंडिडेट की के साथ अगर कोई कैंडिडेट आ जाता है तो वो कैंडिडेट की नहीं रहता है, वो सुपर की हो जाता है। तो यहाँ पे सी क्या होगा, कैंडिडेट की होगा, यानी कि इस रिलेशन में हमारे पास एक ही कैंडिडेट की है सी। बट अगर बात करें नंबर ऑफ सुपर कीज क्या है, तो नंबर ऑफ सुपर कीज क्या होगी, नंबर ऑफ सुपर कीज या दैट मींस सुपर की में क्या होगा, सी का होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे सी को हम स्टैटिक रख देते हैं और यहाँ पे ये चेंज हो गए, यानी कि ये चार को हम चेंज करेंगे, तो इसमें से हम अलग-अलग कीज बनाएंगे, लेकिन सी तो रहेगा ही। तो यहाँ पे फोर एट्रीब्यूट्स है, तो आएगा आंसर हमारा 2^4 = 16। दैट मींस हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल 16 सुपर की होगी। 16 सुपर की इसलिए बिकॉज़ हम सी को स्टैटिक रख रहे हैं और ये फोर एट्रीब्यूट्स को हम डायनामिकली चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 2^4 फोर एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे टोटल 16 सुपर कीज और वन कैंडिडेट की। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है किस तरह से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन अलग-अलग तरह से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने मोस्टली नंबर ऑफ सुपर कीज, नंबर ऑफ कैंडिडेट की मेथड किस तरह से फाइंड करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को एज मच एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच।